फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शो भी हेयर सॉल्यूशन। गाइज आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैरेटीन ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कैरेटीन ट्रीटमेंट कैसे करना है, कौन सी कंपनी के साथ करना है, क्या कैसे स्टार्ट करते हैं और हेयर की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए जिस पे ये बहुत अच्छा लुक दे सके, बहुत अच्छे हेल्दी हेयर हम अचीव कर सकें। उससे होता है कि कैरेटीन जल्दी ही वॉश आउट हो जाती है, ये क्यों होती है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे दूंगा और साथ ही प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शैम्पू से। गाइस हमें सबसे पहले प्योरीफाइंग शैम्पू करना है। प्योरीफाइंग शैम्पू की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर वो किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकते हैं। उसमें प्रॉपर मैंने प्योरीफाइंग शैम्पू को बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कि प्योरीफाइंग शैम्पू होता क्या है। प्योरीफाइंग शैम्पू एक क्लिनजिंग शैम्पू होता है जो कि हमारे स्कैल्प को, हमारे हेयर को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, ठीक है, हमारे हेयर के क्यूटिकल ओपन कर देता है। क्यूटिकल ओपन होने के बाद, ठीक है, जब हम शैम्पू कर लेंगे 80% ड्राई करना है या 70% ड्राई करना है, 30 या 20% आप ड्राई मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। आप कोई भी कंपनी के लेंगे, जी के कंपनी के ले सकते हैं, ग्लोबल कैरेटीन ले सकते हैं आप, डी फैबुलस की एंड बहुत वेल बैटरी, काफ़ी कैरेटीन सारी हैं आजकल मार्केटों में, ठीक है। आपको वो ही यूज़ करनी है और जो बेस्ट रिजल्ट्स होंगे वो आपके सामने अच्छे होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन करनी है सेक्शन बाय सेक्शन, ज़्यादा फाइन सेक्शन मत लीजिए और ज़्यादा थिक भी सेक्शन मत लीजिए, मीडियम सेक्शन लीजिएगा, एप्लीकेशन कीजिएगा। एप्लीकेशन करने के बाद जब आपके फुल हेयर पर एप्लीकेशन हुए, आप फॉइल पेपर से अच्छे से उसको कवर कर दीजिए जिसके उसके हीट पेनिट्रेट हो हेयर के अंदर, ठीक है। जब हीट पेनिट्रेट होगी हेयर के अंदर तो हमारी जो कैरेटीन है, ठीक है, वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। फिर आपको 30 मिनट तक स्टे करना है, 30 मिनट के बाद फॉइल पेपर हटा देना, ठीक है। उसके बाद उसको देखिएगा तो ऊपर हल्का हल्का प्रोडक्ट तब भी रहेगा हेयर के जो आपने एप्लीकेशन किया होगा, ठीक है। अभी फिनिश नहीं हुआ है कुछ भी ट्रीटमेंट, अभी सेकंड ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है। फर्स्ट हमारा था शैम्पू, सेकंड हमारा हो गया कैरेटीन की एप्लीकेशन क्रीम की। जब ये एप्लीकेशन हो जाएगी फिर उसके बाद हमें कूल ड्राई करना है कम से कम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स कूल ड्राई करने के बाद फिर हॉट ड्रायर चलाना है। हॉट ड्रायर आप करेंगे ब्लू ड्रायर की तरह, स्ट्रेट ड्रायर की तरह प्रॉपर बहुत अच्छे से हॉट ड्रायर करना है, ठीक है। हॉट ड्रायर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद हमें आयनिंग करनी है। आयनिंग से क्या होगा, आयनिंग से जितना भी हमारा प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं हुआ होगा हेयर के अंदर वो लॉक हो जाएगा, वो अच्छे से पेनिट्रेट भी हो जाएगा और लॉक हो जाएगा हमारे हेयर के अंदर, ठीक है। हमें बहुत अच्छे से आयनिंग करनी है, मीडियम सेक्शंस निकालना आप, आयनिंग करना, आयनिंग जैसे कि बराबर में वीडियो भी चल रही है इस तरीके से आपको आयनिंग करनी है। आयनिंग करने के बाद आपको सीरम की 2 ड्रॉप्स लेनी और एप्लीकेशन कर देनी है। बहुत सी कैरेटीन्स में क्या होता है, हैंड टू हैंड वॉश हो जाता है, बहुत सी कैरेटीन में 24 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। आप 24 आवर्स के बाद क्लाइंट को वापस बुलाएं, उनका वॉश कीजिएगा थर्ड शैम्पू से, ठीक है। एक होता है प्योरीफाइंग, एक होता है थर्ड शैम्पू, ठीक है, जो कि होता है आफ्टर शैम्पू कैरेटीन के बाद जो यूज़ होने वाले होते हैं। आप उसके बाद उनका वॉश कराएं, कंडीशनिंग करें, ठीक है। वॉश करने से पहले क्वेश्चन ये रहता है, सर हमें आयनिंग करनी चाहिए वॉश करने से पहले जब दोबारा कस्टमर हमारे सलून पर आए? यस, करनी चाहिए। अगर आपकी आयनिंग फर्स्ट टाइम में अच्छी नहीं हुई थी, अगर आपके पास टाइम नहीं था या क्लाइंट के पास टाइम नहीं था, बहुत से बार ये होता है कि क्लाइंट को जल्दी जाना होता है, हम हैवी सेक्शंस में आयनिंग कर देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं था आपने हैवी सेक्शन में कर दिया तो दोबारा आप कर सकते हो, वो और अच्छे से लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आप 5 मिनट्स का वेट कीजिएगा, अगर आयनिंग करी आपने दोबारा, ठीक है, आप 5 मिनट्स का वेट कीजिए, कूल होने दीजिएगा हेयर को, उसके बाद आप वॉश के लिए ले जा सकते हैं। वॉश करिएगा शैम्पू से, फिर उसके बाद उसका कंडीशनर जब आप अप्लाई कर देंगे, मुश्किल 5 to 7 मिनट्स एप्लीकेशन में रखिएगा अप्लाई करके हेयर के अंदर, उसको भी फिर रिंग्स आउट कर दीजिएगा। रिंग्स आउट करने के बाद आपको प्रॉपर ड्रायर करना है, स्ट्रेट ड्रायर, ब्लू ड्रायर, जो भी बेटर लगे आपको वो करना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों ही ड्रायर सेम ही होते हैं, ब्लू ड्रायर करो या स्ट्रेट ड्रायर करो, ठीक है, दोनों ड्रायर सेम होते हैं, आपको ऐसे करना है एज इट इज़। आपके सामने जो रिजल्ट होगा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट होगा, सुपर, अगर आपका प्रोसेसर जैसे मैंने बताया ऐसे ही रहा तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।